गुड आफ्टरनून ब्यूटीफुल सोल्स। आज हम अपनी जर्नी के अंतिम पड़ाव पर हैं। हमारी 28 दिन की जर्नी, कल हमारे 28 चैप्टर्स पूरे हो चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे कि हम इस बुक को, जादू को, अपनी जिंदगी में कैसे अलग अलग फील्ड्स में अप्लाई कर सकते हैं कि हमारा जादुई भविष्य क्या होगा। तो मैं थोड़ा सा फास्ट फास्ट रीड करके आपको साथ में समझावा भी दूंगी। तो आज का मैं पीडीएफ तो नहीं बना पाई, लेकिन मैं आपको पढ़कर ही बता देती हूँ। आपका जादुई भविष्य। आप अपने जीवन के निर्माता हैं और कृतज्ञता ही वह साधन है जिससे अविश्वसनीय जीवन का निर्माण किया जा सकता है। इन जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपने अब एक बुनियाद बना ली है तथा कृतज्ञता के सहारे आप अपने जीवन की इमारत में और अधिक मंजिलें जोड़ रहे हैं। आपका जीवन और ऊंचा उठता चला जाता जाएगा जब तक कि आप सितारों को नहीं छूने लगेंगे। कृतज्ञता के साथ आप कितनी ऊंचाइयों तक उठ सकते हैं, इसका कोई छोर नहीं है, ना ही इस जादू की कोई सीमा है जिसका आप अनुभव कर सकते हैं। ब्रह्मांड के तारों की तरह यह भी असीमित है। मतलब आप जितनी कृतज्ञता देते जाएंगे, आपकी जिंदगी में उतना जादू बढ़ता जाएगा। इसकी कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है कि आप अगर देखें कि भैया कि इसकी इतनी ही लिमिट थी, इससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। कृतज्ञता व्यक्त करना शिष्ट और सुखद होता है। कृतज्ञता से कार्य करना उदार और उदात होता है, लेकिन कृतज्ञता को जीना स्वर्ग को छूने के समान होता है। जोहानिस एम वेटरनर, प्रोफेसर, धर्मशास्त्री, कवि। देखिए, कृतज्ञता को जीना स्वर्ग को छूने के समान होता है, क्योंकि आप हर टाइम कृतज्ञता में अपने आप को बनाए रखना जो है ना, वो बहुत मुश्किल होता है। और जो इंसान ये काम कर लेता है, जैसे हमारे में कहते हैं कि वो स्वर्ग तक पहुंच गया, मतलब वो इतना इंसान साफ था, पाक था कि वो स्वर्ग तक पहुंच गया। क्योंकि इसी तरह आप कृतज्ञता में लंबे समय तक तभी बने रह सकते हैं जब आप खुद को पॉजिटिव मोड में रखें, खुश मोड में रखें। यहां से आगे बढ़ने का आदर्श तरीका कृतज्ञता की उस बुनियाद को कायम रखना है जिसे आपने बनाया है। मतलब अब तक तो आपने सिर्फ अपनी नींव ही खड़ी की है, एक फाउंडेशन ही बनाई है। साथ ही अपनी भावना की गहराई को बढ़ाकर इस पर धीरे धीरे आगे भी निर्माण करते जाना है। आप कृतज्ञता का जितना अधिक अभ्यास करते हैं, उतनी ही गहराई से आप इसे महसूस कर सकेंगे। और आप जितनी गहराई से इसे महसूस करते हैं, इसमें उतना ही कम समय लगेगा मार्गदर्शक के रूप में। देखिए, वही बात आ गई कि आप ग्रेटिट्यूड को जितना हार्डली, जितना अपने दिल की गहराइयों से फील करेंगे, उतना ही आप ऊपर 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 चढ़ते जाएंगे, आप अपनी मनचाही चीजों के पास आते जाएंगे। सप्ताह में 3 दिन जादू को याद करें का अभ्यास करें, या अपने मनपसंद दो अन्य जादुई अभ्यासों के साथ इसे मिला लें। इससे कृतज्ञता की वर्तमान बुनियाद कि आपकी वर्तमान बुनियाद कायम रहेगी और आप अपने जीवन में जादू को बढ़ाते जाएंगे जिससे आपका जीवन बेहतर से और बेहतर बनता चला जाएगा। मिसाल के तौर पर आप एक दिन जादू को याद करें अभ्यास का चुनाव कर सकते हैं, दूसरे दिन जादुई संबंध का और तीसरे दिन जादुई धन का। मतलब ये अब आपको बता रहे हैं कि आप कैसे कैसे चैप्टर्स कर सकते हैं। सप्ताह में 4 दिन जादू को याद करें अभ्यास करने, या इसे अपने चुने हुए 3 अन्य अभ्यासों के साथ मिलाकर करने से आपकी कृतज्ञता कायम रहेगी और जादू में वृद्धि होगी। सप्ताह में 5 दिन जादू को याद करें अभ्यास करने, या इसे अपनी पसंद के 4 अन्य जादुई अभ्यासों के साथ मिलाकर करने से आपकी खुशी नाटकीय रूप से बढ़ जाएगी और आपके जीवन के हर क्षेत्र व परिस्थिति में जादू पड़ जाएगा। सप्ताह में 6 या 7 दिन जादू को याद करें अभ्यास करने, या इसे अपनी पसंद के अन्य जादुई अभ्यासों के साथ मिलाने से आप सच्चे किमियागर बन जाएंगे जो हर चीज को सोने में बदल सकता है।
मतलब आप 7 दिन जादू को याद करे कर ले, और उसके साथ आप जोन सा भी अभ्यास करना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके रिलेशनशिप सभी इतने अच्छे नहीं है, आप उस पर ध्यान देना चाहते हैं, तो आप उसी के चैप्टर जो अलग अलग आए थे आप उनको ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि है कि मनी की फील्ड में, धन के क्षेत्र में आप मास्टरी करना चाहते हैं, तो आप धन वाले चैप्टर से ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक हमारा हेल्थ की फील्ड में आपको कोई दिक्कत है, तो आप हेल्थ वाले चैप्टर ले सकते हैं। जादुई अभ्यास की अनुशंसाएं अपने जीवन के उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों जिसमें आप जादू को बनाए रखना चाहते हैं, जैसे आपकी खुशी, स्वास्थ्य, संबंध, कैरियर, धन और आपके स्वामित्व की भौतिक वस्तुएं। आप सप्ताह में एक बार हर क्षेत्र के लिए विशेष अभ्यास कर सकते हैं। बहरहाल, यदि आप अपने जीवन के किसी क्षेत्र में जादू को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको उस क्षेत्र के लिए सप्ताह में कई दिन कृतज्ञता का अभ्यास करना चाहिए। यदि आप स्वस्थ नहीं हैं, तो हर दिन अपने स्वास्थ्य के लिए जादुई अभ्यास कर सकते हैं। यदि दिन में कई बार कर सके तो और भी अच्छा। नीचे दी गई अनुशंसाएं आपको आसानी से उन जादुई अभ्यासों के बारे में बताती हैं जिनका उस क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली और तीव्र प्रभाव होगा। कम से कम 3 सप्ताह तक प्रासंगिक क्षेत्र में दी गई अनुशंसाओं का अनुसरण करें और हर अनुशंसित अभ्यास को सप्ताह में एक बार करें। अब ये कह रहे हैं कि आप किसी फील्ड में मास्टरी करना चाहते हैं, तो 3 सप्ताह लगातार यही वाले अभ्यास करते रहें। कौन से वो कार्य, जैसे संबंध। संबंध मतलब आप किसी रिलेशनशिप की फील्ड में काम करना चाहते हैं, तो आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। देखिए, जादुई संबंध पेज 50 पर दिया हुआ है बुक में। हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं, जादुई छड़ी और जादुई दर्पण, जादू को याद रखें। तो आप ये वाले चैप्टर्स कर सकते हैं अगर आप रिलेशनशिप की फील्ड में काम करना चाहते हैं। अब बढ़ते स्वास्थ्य की फील्ड में, अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ सकते हैं। देखिए, जादुई स्वास्थ्य, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें, स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार, जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं, जादुई छड़ी और जादू को याद रखें। अब धन के क्षेत्र में, मनी के क्षेत्र में आ जाते हैं। जादुई धन, धन का चुंबक, मैजिक चेक, जादुई छड़ी, जादुई दर्पण और जादू को याद रखें। करियर, अगर आप करियर के क्षेत्र में मास्टरी करना चाहते हैं, तो आपको कौन कौन से करने होंगे, या फिर आपकी अभी जॉब नहीं लग रही, आप चाहते हैं मेरा करियर बन जाए, मेरी जॉब लग जाए, तो आपको कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं। जादू की तरह काम करना, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें, जादुई छड़ी, जादुई दर्पण, जादू को याद रखें। अब आ जाती है आपकी इच्छाएं। आप अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कौन कौन से चैप्टर्स कर सकते हैं। हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें और अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। आपकी नजरों के ठीक सामने जादुई छड़ी, जादुई दर्पण और जादू को याद रखें। देखिए, इनसे जादू को याद रखने वाला अभ्यास तो हर किसी के साथ आपको करना ही है। आपका जादुई पत्थर, आप जादुई पत्थर के इस अभ्यास को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। इसे सिरहाने रख सकते हैं और सोने जाते वक्त इसे देखकर याद कर सकते हैं कि आपको उस दिन हुई सबसे अच्छी चीज के लिए कृतज्ञ होना है। आप जादुई पत्थर जेब में भी रख सकते हैं। जब भी आप इसे छूते हैं तो हर बार यह आपको याद दिलाता है कि आप उस चीज के बारे में सोचे जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। मतलब आप जादुई पत्थर को रोज कंटिन्यू कर सकते हैं। आपकी जादुई धूल, आप हर एक पर जादुई धूल का छिड़काव करें, अभ्यास को भी अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। जो लोग आपकी सेवा करते हैं उन पर जादुई धूल छिड़कने के अलावा कई और तरीके हैं जिनसे आप यह अभ्यास कर सकते हैं। आप हर व्यक्ति और हर वस्तु पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। यदि आपका बॉस थोड़ा चिड़चिड़ा है तो आप चुपके से उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य या आपका प्रिय
मित्र व्यक्ति पूरे मूड में है तो आप उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जिसे उसके जीवन में जादू की जरूरत है तो आप उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। आप जहां भी जाते हैं वहां जादू को बढ़ा सकते हैं और बच्चों पर, पौधों या बगीचे पर, अपने भोजन और पेय पदार्थों पर, खोलने से पहले अपने कंप्यूटर या मेल पर, अपने वॉलेट, कार, फोन कॉल करने या सुनने से पहले, अपने फोन या किसी भी अन्य परिस्थिति पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। जादुई धूल के कितने इस्तेमाल हो सकते हैं उसकी सीमा केवल आपकी कल्पना द्वारा तय होगी। मतलब आप जिस भी किसी चीज पर मर्जी जादुई धूल छिड़क सकते हैं। नेक्स्ट इसमें चैप्टर है जादू कभी खत्म नहीं होता। मैं जीवन में हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करती और अब यह बिल्कुल अविश्वसनीय लगता है कि पहले हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास किए बिना इतने दिन, महीने और साल में कैसे रही। कृतज्ञता मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुकी है। यह मेरी कोशिकाओं में है और अवचेतन मन के ताने बाने में रची बसी है। अवचेतन मन क्या है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड। लेकिन यदि हम जीवन में उलझ जाए और कुछ समय तक कृतज्ञता का अभ्यास करना भूल जाए तो जादू ओझल हो जाएगा। मैं अपने जीवन में जादू का इस्तेमाल मार्गदर्शक के रूप में करती हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि क्या मैं कृतज्ञता का पर्याप्त अभ्यास कर रही हूँ या मुझे इसका अभ्यास बढ़ाने की जरूरत है। मतलब आपको भी अगर कहीं जादू कम दिखने लग जाए या आपको ऐसा लगे कि जादू, तो आपको ही इस अभ्यास को बढ़ाने की जरूरत है। मतलब आप पूरी तरह से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। मैं अपने जीवन को गौर से देखती हूँ और अगर मुझे लगता है कि मैं ज्यादा खुशी महसूस नहीं कर रही हूँ तो मैं कृतज्ञता के अपने अभ्यास को बढ़ा देती हूँ। यदि मेरे जीवन के किसी खास क्षेत्र में छुटमुट समस्याएं प्रकट होने लगती हैं तो मैं तुरंत उस क्षेत्र में कृतज्ञता के जादुई अभ्यास को बढ़ा देती हूँ। मैं अब झूठे दिखावों से धोखा नहीं खाती हूँ। इसके बजाय मैं परिस्थिति में कृतज्ञ होने के लिए अच्छाई की तलाश यह जानते हुए करती हूँ कि वह वहां है और फिर धुएं के झोंके की तरह हर अनचाही चीज जादू से गायब हो जाती है। मैंने छोटी चीजों के लिए धन्यवाद देकर शुरू किया और मैं जितनी कृतज्ञ बनी मेरी समृद्धि उतनी ही बढ़ती गई। ऐसा इसलिए क्योंकि आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं उसका विस्तार होता है और जब आप जीवन में अच्छाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो उसका अधिक सृजन करते हैं। अवसर, संबंध, यहाँ तक कि धन भी मेरी ओर प्रवाहित हुआ जब मैंने अपने जीवन की हर तरह की स्थिति में कृतज्ञ होना सीख लिया। ओपरा विनफ्री, मीडिया पर्सनैलिटी और व्यवसायी, क्या कहती है कि जब मैंने हर स्थिति में, मतलब आपके पास 5 रुपए हैं तो आपने उस 5 रुपए के लिए भी कृतज्ञ होना है। ये नहीं कहना कि मेरे पास तो 5 रुपए है मैं क्या करूँ, 5 रुपए से क्या होगा। नहीं, आप 5 रुपए के लिए कृतज्ञ होइए कि अच्छा मुझे जरूरत तो 20 रुपए की थी लेकिन चलो 5 तो आए, 15 भी आते ही होंगे रास्ते में आ रहे हैं एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू 5 रुपीज। कृतज्ञता के अभ्यास के द्वारा आप सृष्टि के अचूक नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह सृष्टि का आपको दिया उपहार है और यह इसलिए मौजूद है ताकि आप इसका इस्तेमाल करें और अपने जीवन को प्रगति के पथ पर ले जाएं। आप सृष्टि के अचूक नियम, मतलब कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण के नियम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और यह सृष्टि का दिया आपको एक उपहार ही तो है। अब हमें ये जो मिला है ये हमारे लिए गिफ्ट ही तो है। इतने लोगों को नहीं मिलता लेकिन हमें मिला है। सृष्टि और आप एक स्तर है जो आपके जीवन में असीमित समृद्धि का कारण बनता है। जिस तरीके से कृतज्ञता के इस स्तर तक पहुंचा जाता है वह है सृष्टि या अगर आप चाहें तो ईश्वर के साथ आपका संबंध। आप में यह सोचने की प्रवृत्ति हो सकती है कि सृष्टि आपसे अलग है और जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो अपने ऊपर यानी आसमान की ओर देखते हैं। हालांकि सृष्टि निश्चित रूप से आपके ऊपर है
लेकिन यह आपके नीचे भी है और आपके पीछे भी है तथा आपके पास भी है, और यह हर चीज व हर व्यक्ति के भीतर है। इसका अर्थ है कि सृष्टि आपके भीतर है, जैसा नीचे वैसा ऊपर और जैसा ऊपर वैसा नीचे। केवल इस ज्ञान के साथ आप चमत्कार कर सकते हैं। द अमेराल टेबलेट, जैसा नीचे वैसा ऊपर मतलब सृष्टि, यूनिवर्स तो हमारे चारों तरफ ही है, हमारे अंदर भी है। अगर हम यही सोचेंगे तो हम चमत्कार कर सकते हैं। यूनिवर्स हमारे पास है, हमारे पास आस पास है, इधर है, उधर है, ऊपर है, नीचे है, और हमारे भीतर भी। हमें सिर्फ इसको और ज्यादा अपनी तरफ खींच के लाना है। जब आप समझ लेते हैं कि सृष्टि आपके भीतर है और इसकी प्रकृति के अनुरूप यह आपके लिए है, यह चाहती है कि आपको अधिक जीवन, अधिक स्वास्थ्य, अधिक प्रेम, अधिक सौंदर्य और आपकी हर मनचाही चीज अधिक मिले, तो आप जीवन में मिलने वाली हर चीज के लिए सृष्टि के प्रति सच्ची कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं। और तब आप अपने तथा सृष्टि के बीच एक व्यक्तिगत संबंध स्थापित कर लेंगे। हर मिलने वाली चीज के लिए आप सृष्टि के प्रति जितनी अधिक वास्तविक कृतज्ञता महसूस करते हैं, सृष्टि के साथ आपका संबंध उतना ही करीबी बनता है। और तब आप कृतज्ञता के जादू द्वारा असीमित समृद्धि के स्तर तक पहुंच सकते हैं। मतलब जितना ज्यादा आप ग्रेटिट्यूड फील करेंगे, उतना आपका संबंध यूनिवर्स के साथ गहरा बनता चला जाएगा। वो कहते हैं ना, जैसी भावना वैसा ही आपको मिलता है। जिस जैसी आप भावना रखेंगे, जितनी आप फीलिंग देंगे, उतना ही आपको मिलेगा। आप कृतज्ञता को के जादू के प्रति अपने हृदय और दिमाग को खोल देंगे और इसके साथ अपने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति के जीवन को छू लेंगे। आप सृष्टि के मित्र बन जाएंगे। आप पृथ्वी पर असीमित नियामतों के साधन बन जाएंगे। जब आप सृष्टि के करीब पहुंचकर और व्यक्तिगत संबंध बनाते हैं, जब आप अपने भीतर सृष्टि की उस निकटता को महसूस करते हैं, उस पल से पूरा संसार आपका होगा और ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आप नहीं बन सकते या पा सकते या कर सकते। मतलब आप जब सृष्टि की निकटता को महसूस करते हैं, जब आप यूनिवर्स को अपने पास महसूस करेंगे, दिल से उसे फील करेंगे, तो आप ऐसे बन जाएंगे, आप सब कुछ पा लेंगे, आप सब कुछ पा सकते हैं। हिम्मत है आपको क्या करना है, सिर्फ अपने पर बिलीव रखना, अपनी कृतज्ञता पर, उसकी जादुई शक्ति पर विश्वास रखना। कृतज्ञता ही जवाब है। कृतज्ञता टूटे हुए या मुश्किल संबंधों का इलाज है, ये स्वास्थ्य या धन की कमी का इलाज है, ये दुख का इलाज है। कृतज्ञता से डर, चिंता, दुख और हताशा खत्म होती है। ये खुशी, स्पष्टता, धैर्य, दयालुता, करुणा, समझ और मानसिक शांति लाती है। कृतज्ञता समस्याओं के समाधान लाती है। ये आपके सपनों को साकार करने के अवसर और संसाधन प्रदान करती है। कृतज्ञता हर सफलता के पीछे होती है। ये नए विचारों और खोजों के द्वार खोल देती है, जैसा न्यूटन और आइंस्टाइन जैसे महान वैज्ञानिकों ने साबित किया। वो याद है ना, 100 वाला कि मैंने 100 से ज्यादा बार धन्यवाद किया था, किसने कहा था, आइंस्टाइन। कल्पना करें कि हर वैज्ञानिक उनकी दिखाई राह पर चलने लगे, तब संसार समझ, विकास और उन्नति के नए क्षेत्रों में दाखिल हो जाएगा। वर्तमान सीमाएं टूट जाएंगी और टेक्नोलॉजी, भौतिकी, चिकित्सा, मनोविज्ञान, खगोल शास्त्र, हर वैज्ञानिक क्षेत्र में जीवन बदलने वाली पूछे होने लगेगी। क्योंकि वैज्ञानिक इन बातों को मानते नहीं है, लेकिन अगर वैज्ञानिक भी आपके कृतज्ञता करने लग जाए, अपनी हर खोज से पहले धन्यवाद देने लग जाए, तो वो कितनी नई नई खोजें करते रहे। यदि कृतज्ञता को स्कूलों में अनिवार्य विषय बना दिया जाए, तो हम बच्चों की एक ऐसी पीढ़ी देखेंगे जो हमारी सभ्यता को अद्भुत उपलब्धियों और खोजों द्वारा तरक्की के शिखर पर पहुंचा देगी। तब
असहमतियां दूर हो जाएंगी, युद्ध खत्म हो जाएंगे और पूरे संसार में शांति स्थापित हो जाएगी। देखिए, अगर हर बच्चा, अगर आप स्कूल में इसे पढ़ाने लग जाए और बच्चों में ही इसको भर देंगे, तो हर बच्चा हर चीज में कृतज्ञ रहेगा, थैंकफुल रहेगा, तो उसके मन में किसी से लड़ने का विचार आएगा ही, उसके सामने जो सिचुएशन आएगी वो उसके लिए थैंकफुल होगा। उसके मन में ये विचार आएगा ही नहीं कि मेरे पास कम क्यों है, उसके पास ज्यादा क्यों है, वो तो थैंकफुल है, मेरे पास जितना है मैं उसमें खुश हूँ, मैं उसके लिए थैंकफुल हूँ। तो अपने आप एक नई पीढ़ी का जन्म, जो राष्ट्र संसार को भविष्य में ले जाएंगे भी वही है जिनके नेता और लोग सबसे अधिक कर्तव्य। देखिए, अब जो राष्ट्र संसार को भविष्य में ले जाए वो वही होंगे जिनके नेता कृतज्ञ। अब आप कई देश देखेंगे जिनके ओनर से कृतज्ञ नहीं है, वो कृतज्ञ ही नहीं है कि मैं इस देश का नेता हूँ, सर्वोच्च हूँ, मुझे थैंकफुल होना चाहिए अपने देश के लिए, नहीं, वो तो रूलिंग कर रहे हैं। ऐसे राज्य आगे नहीं जा सकते। किसी देश के लोगों की कृतज्ञता से उनका देश तरक्की करता है और अमीर बनता है, इससे बीमारियां बहुत कम हो जाती है, व्यवसाय फलता फूलता है, उत्पादन बढ़ जाता है और पूरे देश में खुशी व शांति का माहौल बन जाता है, गरीबी गायब हो जाएगी और एक भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा, क्योंकि कृतज्ञ राष्ट्र उसे भूखा रहने की अनुमति नहीं देगा। देखिए, कोई भी राष्ट्र तभी अमीर होगा जब वो कृतज्ञता की राह पर चलेगा। अब पूरा राष्ट्र कृतज्ञता की राह पर कैसे चलेगा, जब हम इसे पढ़ाएंगे, जब हम इसे दूसरों को बताएंगे और मास कम्युनिकेशन, जो मास ग्रेटिट्यूड जो होता है, वो पहले से ही हमारी सभ्यताओं में है। हमारी कई आदिवासी जनजातियां इकट्ठे होकर वर्षा नृत्य करती हैं, अपना शिकार करने से पहले वो इकट्ठे होकर प्रेयर करती थी कि उनको अच्छा शिकार मिले। और आज भी देखिए, हमारी सोसाइटी में इकट्ठे होकर कितने हवन यज्ञ किए जाते हैं, किस लिए, भगवान का शुक्रिया करने के लिए तो किए जाते हैं कि हे भगवान, आपने हमें इतना दिया, जो भी दे रहे हैं उसका शुक्रिया है, इसलिए तो हवन किया जाता है, यज्ञ किया जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं, मास ग्रेटिट्यूड, जो एक पूरी सोसाइटी इकट्ठे होकर कर रही होती है। और अगर यही मास ग्रेटिट्यूड चलता रहे तो वह राष्ट्र कितना ऊपर जाएगा, क्योंकि उसके लोग कृतज्ञ है। अधिक लोग कृतज्ञता की जादुई शक्ति को खोज लेते हैं, उतनी ही तेजी से यह संसार पर राज्य करेगी और कृतज्ञता क्रांति का सूत्रपात कर। देखिए, यहाँ पे एक नई लाइन आई है, कृतज्ञता क्रांति। तो हमें ये क्रांति लानी है, हमें इसे लोगों तक पहुंचाना है, क्योंकि जितने अधिक लोग कृतज्ञता की जादुई शक्ति को खोज लेते हैं, उतनी ही तेजी से यह शक्ति संसार पर राज करेगी। और जब कृतज्ञता की शक्ति अगर संसार पर राज करने लग जाएगी तो दूसरी शक्तियां धीमे हो जाएंगी, नीची हो जाएंगी, जादू को अपने साथ ले जाए, जहां भी जाए कृतज्ञता को अपने साथ ले जाए, अपनी रुचियों, मुलाकातों, कार्यों और जीवन की परिस्थितियों में कृतज्ञता के जादू को भर ले, ताकि आपके सारे सपने सच हो जाए। भविष्य में यदि जीवन आपके सामने कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति रखता है, जिसके बारे में आप सोचते हैं कि उस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, तो चिंता करने या डरने की बजाय कृतज्ञता के जादू की ओर मुड़े और अपने जीवन की हर अन्य चीज के लिए कृतज्ञ। जब आप जानते बूझते हुए अपने जीवन में अच्छाई के लिए धन्यवाद देते हैं, तो उस चुनौतीपूर्ण स्थिति के आसपास की परिस्थितियां जादू से बदल जाएंगी। अब आपको कहीं भी लगे कि भाई आपने आज बाय चांस मेरा किसी से झगड़ा और मुझे लग रहा है कि मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, मैं बहुत एंगर में हूँ, मैं इसे कंट्रोल नहीं हो रहा, तो आप अपनी उन अच्छी चीजों के लिए धन्यवाद दीजिए जो आपको याद आती है। झगड़ा आपका इस मोमेंट पे हुआ, सुबह से बहुत से अच्छे काम होंगे, आप उनके लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, कल बहुत से अच्छे काम हो, आप उनको याद कर सकते हैं। हमने उसे यानी मनुष्य को रास्ता दिखाया, वह कृतज्ञ है या कृतघ्न यह उसकी इच्छा पर निर्भर करता है, कुरान कहती है। देखिए, हमने मनुष्य को रास्ता दिखाया, अब हमने ये बुक पढ़कर कितने लोगों को बता दिया है कि ऐसी भी कोई किताब है, ऐसी भी कोई चीज है कि अगर आप कृतज्ञता करते हैं
जितनी अधिक कृतज्ञता देंगे उतना अधिक आपको मिलेगा। हमने आपको बता दिया, हमने आपको यास्ता दिखा दिया, लेकिन अब आपको कृतज्ञ बनना है या कृतघ्न। कृतघ्न क्या होता है? जो बिल्कुल ग्रेटिट्यूड में जो बनता नहीं है उसको बोलेंगे कृतघ्न, जो कहते हैं ये तो ऐसे ही हो गया बस इस वजह से नहीं हुआ। तो अब आपको कृतज्ञ बनना है या कृतघ्न बनना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जादुई शब्द धन्यवाद कहें, उन्हें जोर से कहें, उन्हें छत से चिल्ला कर कहें, उन्हें फुसफुसा कर कहें, उन्हें मन ही मन कहें, या उन्हें अपने दिल में महसूस करें। लेकिन आज के बाद आप जहां भी जाएं, कृतज्ञता और इसकी जादुई शक्ति को अपने साथ ले जाएं। स्मृति और खुशी से भरे जादुई जीवन के लिए जवाब आपके होठों पर है और यह आपके हृदय के भीतर है, तैयार है और इंतजार कर रहा है कि आप जादू को सक्रिय करें, शुरू करें। मतलब आप कृतज्ञता एक ऐसा शब्द है कि आप उसे अपने नेचर में हर जगह साथ ले जा सकते हैं। आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वेटर ने आपको सर्व किया, आप उसे थैंक यू बोलते हैं, आप उसके लिए कृतज्ञ हैं कि उसने आपको सर्व किया, आपको खाना ला कर दिया। इसी तरह आप अगर किसी दूसरे देश भी चले जाते हैं, वहां भी स्थिति तो सेम ही रहेगी। आप किसी रेस्टोरेंट में गए, आपने ऑर्डर दिया, वेटर ने ला के खाना दिया, वहां भी तो आप वेटर के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं ना। तो स्थितियां आपको सर्कमस्टेंसेस बहुत सी जगह सेम मिलेंगे, कृतज्ञ होने के रास्ते भी सेम मिलेंगे, लेकिन उस पर चलना आपने। आगे रोंडा बर्न के बारे में दिया हुआ, वो भी पढ़ लेते हैं। रोंडा बर्न के बारे में, रोंडा बर्न ने अपनी यात्रा द सीक्रेट फिल्म से प्रारंभ की, जिसे दुनिया भर के करोड़ों लोगों ने देखा। इसके बाद उनकी पुस्तक द सीक्रेट प्रकाशित, जो 47 भाषाओं में बेस्ट सेलर बन चुकी और जिसके 2 करोड़ से अधिक प्रतियां बिक चुकी। द सीक्रेट 190 सप्ताह तक द न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर लिस्ट में रही और इसे यूएसए टुडे ने विगत 15 वर्षों की शीर्षस्थ 20 बेस्ट सेलिंग पुस्तकों में से एक माना है। अपने अनूठे कार्य को आगे बढ़ाते हुए रोंडा ने 2010 में द पावर लिखी। यह पुस्तक भी न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर है और 43 भाषाओं में उपलब्ध है। तो देखिए, द पावर के बारे में ये बता रहे हैं कि अब उन्होंने इसके बाद पावर लिखी, सबसे पहले सीक्रेट लिखी, फिर मैजिक लिखी, द पावर लिखी। तो हमें सबसे ज्यादा थैंकफुल तो रोंडा बर्न का होना चाहिए। तो आज हम रोंडा बर्न को थैंक यू करेंगे। थैंक यू, थैंक यू रोंडा बर्न हमें इस पुस्तक का उपहार देने के लिए, क्योंकि ये अनलिमिटेड जादू है हमारे जीवन में और मेरे भी बहुत से जादू खोज किए हैं। तो आज इतना ही हमारी जर्नी का, ये 29 डे है, लास्ट डे है, आज हमारी 1 मंथ की जर्नी यहाँ पर खत्म हो रही है। आप चाहें तो मेरे वीडियोस को देख कर डे 1 से, मैंने इसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, मेरे चैनल पर है, आप डे 1 से देख कर आपको दोबारा से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप वीडियो सुनिए, एक्सरसाइज कीजिए और अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू, थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक यू।